हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश पाटीदार फोटोग्राफी चैनल में। दोस्तों, एक बड़ा ही प्रचलित शब्द है कैंडिड फोटोग्राफी। लेकिन कैंडिड फोटोग्राफी आखिर है क्या? बच्चे बड़े सब बोलते हैं कैंडिड फोटोग्राफी करना है, कैंडिड फोटोग्राफी करना है। लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता है कि कैंडिड फोटोग्राफी आखिर होती क्या है। दोस्तों, आज हम इसी प्रश्न का जवाब देने के लिए, इसी प्रश्न को हल करने के लिए कैंडिड फोटोग्राफी का यह सेशन, यह वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम ये बताएंगे कि कैंडिड फोटोग्राफी होती क्या है, कैंडिड फोटोग्राफी करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कैंडिड फोटोग्राफी में कौन से लेंस और कौन से कैमरे से ज़्यादा अच्छी कैंडिड फोटोग्राफी हो सकती है। तो दोस्तों, हम चलते हैं यही सीखने के लिए कि आखिर कैंडिड फोटोग्राफी होती क्या है। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले समझते हैं कि कैंडिड फोटोग्राफी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है। देखिए, कैंडिड फोटोग्राफी जो है एक अंग्रेजी शब्द है, और कैंडिड फोटोग्राफी में कैंडिड का मतलब होता है वास्तविक फोटोग्राफी करना। कैंडिड, हम क्या कर सकते हैं, वास्तविकता में जो कंडीशन जैसी हैं वैसी ही कंडीशन में हम जो फोटो लेते हैं, जो वास्तविक फ़ोटो लेते हैं, या हम ये कहें कि रियल स्टोरी फ़ोटो जो हैं वही होती हैं कैंडिड फोटोग्राफी। कैंडिड फोटोग्राफी में यह नहीं होता है कि हम किसी को आवाज़ लगाएं, बोलें कि इधर देखो और वो हमारी तरफ देख रहा है या हंस रहा है, और हम उसको दिखाते हुए और उसकी वास्तविकता से हटकर कुछ बनावटी फ़ोटो लें, वो कैंडिड फोटोग्राफी नहीं होती है। तो दोस्तों, कैंडिड फोटोग्राफी को सरल शब्दों में हम समझें तो वह होती है हमारी स्टोरी फोटोग्राफी, या वास्तविक फोटोग्राफी, या सच्ची फोटोग्राफी, जो कि बनावटी फोटोग्राफी से हटकर होती है। दोस्तों, कैंडिड फोटोग्राफी करते कैसे हैं? देखिए, कैंडिड फोटोग्राफी केवल शादियों में ही नहीं होती, या किसी का पर्सनल कोई पोर्ट्रेट फोटो लिया तो वो कैंडिड फोटोग्राफी ही नहीं होता है। कैंडिड फोटोग्राफी कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, वो एक रियल स्टोरी बयां करती है। जैसे हम शादी में कहीं गए और कैंडिड फोटोग्राफी कर रहे हैं, तो वह या तो दुल्हन की विदाई हो रही है तो वह एक्चुअल किस तरह से वो रो रही है, या पिताजी उसके किस तरह से उसको समझा रहे हैं, या फिर पिताजी भी अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं, कैसे वो दूसरों से मिलती है, कैसे वो गाड़ी में विदाई होती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक्चुअल कंडीशन में हमें लेना है। ये नहीं कि दुल्हन रो रही है और उसको हम बोल रहे हैं कि सामने देखो, स्माइल करो। हर चीज़ में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिशनल फोटोग्राफी और कैंडिड फोटोग्राफी अलग अलग होती है। देखिए, कैंडिड फोटोग्राफी करते कैसे हैं? कैंडिड फोटोग्राफी जब आप कर रहे हैं तो किसी भी सब्जेक्ट को या किसी व्यक्ति को, आपको किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है कि जो हो रहा है उसको होने दीजिए। केवल आपको यह देखना है कि हम किस एंगल से इस स्टोरी को, इस फोटो को इतना अच्छा खींचें कि यह एक अलग ही स्टोरी बयां करे। इस फोटो को देखते ही लगना चाहिए कि यह एक कोई स्टोरी है। जो भी प्रोग्राम चल रहा है, या कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बात कर रहा है आपस, ये सब चीज़ें जो होती है, इसको ही हम जब कैप्चर करते हैं और उसकी वास्तविक कंडीशन में कैप्चर करते हैं, तो उसे ही कैंडिड फोटोग्राफी कहते हैं। दोस्तों, कैंडिड फोटोग्राफर को कभी भी फोटोग्राफर की तरह नहीं घूमना चाहिए। उसे एक आम आदमी की तरह अपना कैमरा नीचे लेके घूमना चाहिए, और उसे ऐसी फ़ोटो लेना चाहिए जो किसी को पता न लगे और वो फ़ोटो ले ले, वही होती है कैंडिड फोटोग्राफी। अब आते हैं हम कैंडिड फोटोग्राफी में कौन सा कैमरा यूज़ करना चाहिए या कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे कोई पर्टिकुलर कैमरा या लेंस इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कैमरे से या इसी लेंस से फोटोग्राफी करेंगे तो कैंडिड फोटोग्राफी होगी। नहीं, हमें यह ध्यान रखना ज़रूरी है केवल कि जो कुछ हो रहा है उसको हम फोटो खींचते टाइम वो डिस्टर्ब ना हो, उसके जो एक्सप्रेशन है वह नहीं जाए। तो इसलिए कैंडिड फोटोग्राफी के लिए सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास कोई भी कैमरा है, कोई भी लेंस है, क्या हम उसको, उस सब्जेक्ट को या उस प्रोग्राम को बगैर डिस्टर्ब करते हुए कोई फ़ोटो ले सकते हैं। दोस्तों, हम वो कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ कैमरे और कुछ लेंस होना इसलिए ज़रूरी है कि वो सब्जेक्ट को डिस्टर्ब ना करें, हमारे उस प्रोग्राम को डिस्टर्ब ना करें, हमारी वास्तविकता को डिस्टर्ब ना करें। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे कैंडिड फोटोग्राफी को हम बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, जो बड़े जूम लेंस होते हैं, जैसे 70-200 या इस टाइप के 55-250, ये जो लेंस होते हैं ये जूम लेंस होते हैं, जिसमें हम दूर से ही जूम करके और किसी भी सब्जेक्ट की बेहतरीन फ़ोटो ले सकते हैं। उसका कारण यह है कि हम जब कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं तब वो सब्जेक्ट
यदि उसे पता लग गया कि मुझे मेरी फ़ोटो खींची जा रही है तो उसके एक्सप्रेशन शायद चले जाएंगे। इसलिए जूम लेंस इसके लिए बहुत ही बेहतर होते हैं ताकि हम दूर से ही उसकी फ़ोटोग्राफी कर सकें। कैमरा बॉडी या लेंस कैसे हों तो इसमें यह ज़रूरी है कि हम जब कैंडिड फोटोग्राफी करते हैं तो हमेशा लाइट अपने हिसाब से नहीं होती है। हो सकता है कि वहाँ जिस लोकेशन पर वह प्रोग्राम हो रहा है वो ऐसी लोकेशन हो जहाँ लो लाइट हो या रात को फोटोग्राफी करना हो, तब हमें बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे एपरेचर को हमें ज़्यादा से ज़्यादा खुला रखना पड़ेगा, ISO को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि हम लो लाइट में भी अच्छी से अच्छी फ़ोटो खींच सकें। और सेकेंड, जैसा कि मैंने बताया कि लेंस, जूम लेंस, जितना ज़्यादा हम जूम कर सकेंगे उतनी दूर से हम फ़ोटो खींच सकेंगे और सब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। अब दोस्तों हम समझते हैं कैंडिड फोटोग्राफी का महत्व क्या है। देखिए, पहले हम सब ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करते थे और कहीं कहीं कैंडिड फोटोग्राफी भी करते थे और कई बार कैंडिड फोटोग्राफी हम कर चुके होते थे लेकिन उसको हम समझते ही नहीं थे। हम ये समझते थे कि कोई सामने देखते हुए फ़ोटो आ रहा है तो वही फ़ोटो अच्छा है, लेकिन जो सब्जेक्ट कुछ कर रहा है और उसकी स्टोरी अपने आप बन रही है उन फ़ोटोज़ को हम कोई नाम नहीं देते थे, वही नाम होता है कैंडिड फोटोग्राफी का। कैंडिड फोटोग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वो अपने आप में एक स्टोरी होती है। हम जब ट्रेडिशनल फोटोग्राफी करते हैं और उसमें हम सब्जेक्ट को डिस्टर्ब कर देते हैं तो वह उसकी वह स्टोरी बयान नहीं कर पाती, और आगे जब भी हम कभी उस एल्बम को या उस फोटो को देखते हैं तो यह नहीं लगता है कि यह क्या हो रहा था और यह क्या स्टोरी थी। लेकिन कैंडिड फोटोग्राफी अपने आप में ऐसी फोटोग्राफी है जो उस समय क्या हो रहा था, जो रियल स्टोरी है वह बयां करती है। तो हम कह सकते हैं कि रियल स्टोरी फोटोग्राफी जो है वही कैंडिड फोटोग्राफी है। दोस्तों, कैंडिड फोटोग्राफी में एक और चीज़ अच्छी होती है कि जब हम जूम लेंस या लो लाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो वहाँ हमारा एपरेचर 2.8 या 1.4 इस तरह से कम एपरेचर होता है, तो उस समय हमारा जो है पीछे का बाकी की सब चीज़ें ब्लर हो जाती हैं और जो मेन सब्जेक्ट होता है, हमें जिसकी फ़ोटो लेना है, वह चीज़ एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। इसलिए लोगों को यह लगता है कि जो पीछे ब्लर हो रहा है वही फोटोग्राफी कैंडिड फोटोग्राफी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इसलिए होता है कि हम लो लाइट या ऐसी जगह पे ऐसी कंडीशन में जो फोटोग्राफी करते हैं तो उसमें हमें ऐसा एपरेचर चाहिए जो 1.4 या 2.8 या ऐसा कम से कम वैल्यू वाला एपरेचर जब होता है तो हमारा लेंस ज़्यादा से ज़्यादा खुलता है और हमें डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी अच्छी मिलती है कि हमारा सब्जेक्ट पूरा फोकस में होता है, पूरा स्पष्ट दिखाई देता है और बाकी के जो लोग हैं उन्हें हम ब्लर आसानी से कर सकते हैं। इसलिए वो स्पष्ट फोटो होती है जिसको हम कैंडिड फोटोग्राफी नाम देते हैं। कैंडिड फोटोग्राफी में एक और ध्यान रखने योग्य बात यही है कि हम जो कैमरा यूज़ कर रहे हैं वो हाई ISO पर जाने के बाद भी हमारी फ़ोटो में गैंस ना आए। जैसे फुल फ्रेम कैमरे हैं जो कि लो लाइट में शूट कर सकें, जिसका ISO बहुत ज़्यादा हो, वो हमें कैंडिड फोटोग्राफी में बहुत अच्छे मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि अभी मिररलेस कैमरे चले हैं वो भी लो लाइट में बहुत अच्छा शूट करते हैं और फुल फ्रेम कैमरे जो हैं उनका ISO भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा ISO वाले और कम से कम एपरेचर वाले कैमरे यदि यूज़ करेंगे तो हमारी कैंडिड फोटोग्राफी अच्छी नहीं बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आज के इस वीडियो में आप समझ गए होंगे कि कैंडिड फोटोग्राफी कैसे होती है, कैंडिड फोटोग्राफी किसको कहते हैं और कैंडिड फोटोग्राफी कैसे करते हैं, इसका महत्व क्या है, कैंडिड फोटोग्राफी करने के लिए हमें कौन से लेंस और कौन से कैमरे यूज़ करना चाहिए जिससे हमारी कैंडिड फोटोग्राफी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो सके। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो बहुत ही जल्दी आपके पास फिर आने वाली है। थैंक यू।